नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आश्रम ब्लॉग्स के आज के ब्लॉग में। जैसे कि आपको मैं हर बार बोलता था कि मैं आया हूं जीतू भाई के सलून पर, तो ये अपने जीतू भाई और यहां पे मैं आता रहता हूं बेसिकली, क्योंकि यहां पर आने के बाद कुछ ना कुछ सीखने को हमको मिल ही जाता है। बैकग्राउंड पीछे काफी बढ़िया, तो मैं सोच रहा हूं कि अगली जो भी बातचीत करने वाली वीडियो होगी ना, वहीं पे आके शूट करूंगा मैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, ये सेटअप कैसा है भैया का, काफी पैसे वैसे खर्च करके यहाँ पर हमने बनाया है। तो भाई ने हमारे स्टॉक मार्केट जो होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो हमारी पब्लिक को आप कुछ बता सकते हैं इससे रिलेटेड, क्या स्कोप है इसमें, कितना आगे बढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है? ट्रेडिंग वैसे एक बहुत अच्छी, देखा जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अगर बिजनेस माइंड से करना चाहता है जैसे उसको करते हैं। लेकिन लोग अब क्या करते हैं, लोग अब गैम्बलिंग करते हैं, जुए की तरह खेलते हैं, फिर उसको जुआ ही बोलते हैं जैसे, और गैम्बलिंग समझ लो, पैसा गवा के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर अपन सोचें और बेसिक रिटर्न की तरह प्रोबेबिलिटी निकालने की, इतना लॉस होता है, मान लो अगर आप, अगर आपको अगर 10,000 की कैपिटल पे अगर आप 100 रुपए भी बना रहे हो, तो आप दिन का 1% बना रहे हो, तो आप महीने का 30% रिटर्न आराम से निकाल, तो महीने का 3,000 रुपए बना सकते हो आप आराम से, 10,000 रुपए। लेकिन फिर भी आदमी को भी कम, वो भी कम लगता है, तो आदमी 10,000 से 10,000 बनाना चाहता है, 10,000 थोड़ा ना बने। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, भाई जो है बहुत सारे बिजनेस ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके, तो भले फेलियर मिला हो लेकिन सारी चीजों की जानकारी भाई को बहुत ज्यादा है, और फाइनली भाई इस चीज़ पे जाके अटके हुए हैं, मतलब बहुत टाइम से, मतलब 5-6 महीने हो गए इनको काम करते करते इस फील्ड में, तो मुझे लगता है कि इनको बहुत बढ़िया जानकारी इस चीज़ की। इंट्राडे ट्रेडिंग ये करते हैं अभी करंट में, अभी आपको इनका सेटअप दिखाता हूँ मैं आपको, ये लाइट लगा हुआ है, अभी भी खुला है करंट में, है ना, तो जैसे इनको लगता है सही टाइम है वो ये लगा देते हैं। तो मेरा मानना बस ये है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी एक चीज़ में अगर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो मुझे काफ़ी सही लगता है। मुझे लगता है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ यूट्यूब का ऑनलाइन काम करता हूँ, तो उसमें और ज़्यादा बेटर होने के लिए मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की है। ये तो यूट्यूब ब्लॉगिंग अलग चीज़ होती है, VLOGING, और एक होती है आर्टिकल राइटिंग वेबसाइट ब्लॉगिंग, जिसमें आर्टिकल राइट करते हैं, जो भी आपको जानकारी होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो वो चीज मैंने स्टार्ट की। थोड़ा टफ है लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन क्या, आप लगे हुए अच्छी बात है, आप लर्निंग आदमी को हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन आदमी क्या सोचता है, ओनली सीधा आदमी आज ही से काम चालू और आज ही से पैसा आना चालू हो जाए। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ भाई लोग, कि अगर कुछ भी चीजें ट्रेडिंग से रिलेटेड भाई के पास जानकारी है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड दो चार चीजें जो है, जैसे यूट्यूब ब्लॉगिंग है, वेबसाइट वगैरह है, जो कुछ भी है उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो मैं दे दूंगा। लेकिन ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि जो दिमाग में ख्याल आता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सामने वाला बंदा, ये इसके खुद 1200, ये क्या कर पाएगा, करना कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन आदमी सिर्फ एक काम करे ना, तब अब मैंने ही बहुत सी चीजें ट्राई की, ये किया कभी, वो किया कभी, ये किया कभी, वो किया, मैंने कुछ एक किया ही नहीं। लेकिन 5 साल में 500 चीजें मत करो, एक काम 5 साल करो, फिर बोलना होगा कि नहीं होगा, गारंटेड होगा कुछ भी कर लो। तो बस यही है भाई लोग, आज का ब्लॉग जो है इसी चीज़ पर बेसिस होने वाला था, क्योंकि भाई ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो मैं अभी करंट सिचुएशन बताता हूँ भाई की। भाई स्टेबल हैं, जो भी पैसे वैसे का इधर उधर का कुछ भी होता है तो वो सब इन्होंने क्लियर कर रखा है, मतलब इतने सारे बिजनेस करने के बाद लॉस फायदा जो भी हुआ वो सब निपटाने के बाद अगर कोई व्यक्ति स्टेबल बैठा है किसी चीज़ पर, एक चीज़ पर काम कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। और मेरे हिसाब से ये है कि आपको फायदा हो ना हो, आपने कुछ सीखा तो कम से कम, बिल्कुल ये बहुत तगड़ी चीज है भाई। जिंदगी में आदमी को बस एक ही चीज नहीं छोड़ना चाहिए, वो है सीखना। बात हो रही थी सीखने से रिलेटेड, कि आप कुछ कर पाते हो जिंदगी में, नहीं कर पाते हो, लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी तो आप अपना गुजारा आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, सबको सीखने तक ये, बस सीखने के बाद तो सब आसान है। तो भाई फिलहाल ये है कि भाई 6 महीने से प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और उसमें काफी अच्छा स्कोप है और ये कमाते भी हैं, तो जो लोग चाहते हैं सीखना वो भाई के पास आके सीख सकते हैं, और जो चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा हमारे लिए काम करे तो थोड़ा बहुत भाई के लिए कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक वेबसाइट बना दूंगा जिस पे आके के आप लोग अपना पैसा लगा सकते हो, भाई आपको थोड़ा बहुत कमीशन रख के आपको मतलब वापस करेगा, जो होता है ना स्टॉक मार्केट की बहुत सारी वेबसाइट होती हैं ऐसी रिटर्न वाली, कि मतलब थोड़ा सा जमा कर दो बाद में वापस कर दो, तो वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा या आप भी कमाओ कुछ,
तो सीख लो, और सीखना नहीं है तो भाई के पास खुद आके भी दे सकते हो, महीने का कुछ ना कुछ इनसे लेते रहो, बहुत अच्छा काम मैं भी कर रहा हूँ। ये हमारा पॉडकास्ट वाला सेशन था छोटा सा, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो बताइए, मैं और भी करूँगा। और मैं जानकारी के लिए बताऊँ कि बैकग्राउंड हमारा यही रहेगा आज के बाद, हमें बहुत अच्छा लगा ये। इसका ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मेरा पीछे का सेटअप और ये कैसा लग रहा है। वैसे तो ये सलून है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी लाइटनिंग वगैरह और सारा फोकस आ रहा है, मतलब थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा ही अच्छा बन रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि मैं प्रॉपर सेटअप में वीडियो बनाऊं, और मेरा अभी कोई सेटअप भी नहीं है, और फिर मैं ब्लॉगिंग वाला बंदा हूं तो मुझे मतलब इन सब चीज़ों की आदत नहीं है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि भाई उसमें हमें लाइट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जगह बेस्ट है मेरे को वीडियो बनाने के लिए, अगर कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। बाकी आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम।